प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां जिस विषय ते गल करनी आ ओ आपां वार्तक बारे गल करनी आ। प्यारे विद्यार्थियों, जिस विषय ते आपां गल करनी आ अज आपां अपनी पुस्तक वार्तक विरसे बारे गल करनी आ। वार्तक विरसे बारे गल करनी आ। जदों आपां किताब वार्तक विरसे बारे गल करनी आ तो सब तो पहला मैं दसना चाहुंदा कि जिहड़ी वार्तक विरसा किताब आ असल दे विच तां इह कि जिस तरह आपां पहलां किताब पढ़ी है वार्तक सिधांत, वह किताब तां वार्तक दे सिधांत बारे दसदी आ कि वार्तक दी परिभाषा की है, वार्तक दे लक्षण किहड़े आ, वार्तक दे तत् किहड़े ने, जिहड़ी वार्तक आ इहदे वख-वख रूप किहड़े आ, निबंध किस किस्म दा, निबंध दे की लक्षण हुंदे आ, की तत् हुंदे आ, निबंध किवें बणदा, जीवनी की हुंदी आ, सवै जीवनी की हुंदी हैगी आ, ललित निबंध की हुंदा है, रेखा चित्र की हुंदा, उहदे बारे जानकारी दिंदा, सफरनामा की हुंदा। पर जिहड़ी इह पुस्तक हैगी आ वार्तक विरसा, तुहाडे सिलेबस विच इस करके लगाई गई है कि वार्तक विरसे तो भाव इह कि पंजाबी दी वार्तक दा इतिहास की आ, पछोकड़ की है। इह उस तरह की किताब सिधांतक सिर्फ इतिहास नूं नहीं दसदी गी, इहदे विच उहदियां वनगियां दित्तियां होईयां, वनगियां दित्तियां होईयां। तो ये किताब आ जिहड़ी उहदा जिहड़ा एक भाग हैगा वह है पूर्व मध्यकाल वार्तक, पूर्व मध्यकाली वार्तक। पूर्व मध्यकाली वार्तक दे विच असीं तीन लेख आ जिहड़े लाए आ। एक किताब संपादित की आ सतनाम सिंह जस्सल, बूटा सिंह बराड़, तो मैं भी उहनां नाल शामिल सीगा, रजिंद्रपाल सिंह बराड़। असीं जिहड़ा ये किताब दे विच जिहड़े पहला भाग हैगा उहदे विच तीन लेख लगाए ने। एक लेख आ जिहड़ा हैगा वह हैगा जिहड़ी लेख ना कहीए, कह लो कि वार्तक दीआं तीन वनगियां लगाईआं। तो एक जिहड़ी वनगी हैगी आ वह वनगी हैगी आ गोरख उपनिषद, दूजी जिहड़ी वनगी हैगी उह हैगी आ फरीद जी का पद्धतिनामा, तो जिहड़ी तीजी इहदे विच रचना हैगी आ वह हैगी आ एकादशी महात्म। तो पहली गल तो यह कि ये जिहड़े तिन्ने जिहड़ियां ये रचनावां ने, इन्हां रचनावां दे इहदे विच नमूने दर्ज ने। इन्हां रचनावां बारे गल करन तो पहला मैं तुहाडे नाल जिहड़ी गल सांझी करनी चाहुंदा, ये करनी चाहुंदा हैगा कि एक साडे मन दे विच धारणा बैठी हुई आ कि जिहड़ी वार्तक आ उह बाद च होंद चाहुंदी आ, कविता पहलां होंद चाहुंदी आ। दूजी जिहड़ी धारणा बैठी हुई आ कि जिहड़ी कविता है वह जिहड़ी हैगी आ उह दिल दी बोली आ, मन दी बोली आ, भावां दी बोली आ, ते जिहड़ी वार्तक हैगी आ उह बौद्धिकता दी उपज हैगी। इह धारणा पछम तो भी आई आ ते इस नूं असीं प्रवान करके चलदे रहे हां। पर कुछ गल्लां जिहड़ियां जदों असीं अपने ही वार्तक नूं ध्यान नाल पढ़दे हां तां पता चलदा हैगा कि एक गल तां इह कि जिहड़ी वार्तक आ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਗਾਉਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਛੰਦਬੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਸੌਖੀ ਸੀ, ਵਾਰਤਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਔਖੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਦੂਜ ਆ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਾਰਤਕ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਨਿਖੇੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਈਏ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਵ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੂਰਵ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਕ ਆ ਕਿ ਵਾਰਤਕ ਜਾਂ ਨਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਆਰੰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
मध्यकाल तो पहला युग खास करके 800 तो लैके 800 ईस्वी तो लैके 1500 ईस्वी तक भी साढ़े को काफ़ी सारा जोड़ा साहित आ वह मिलता है वार्तक साहित मिलता है वो जो तो सिलेबस के असी सॉरी जोड़ा सिलेबस के असी दर्ज किया जोड़ा तो सिलेबस के दर्ज आ वो पहला आप गल करते हैं थोड़ी जी गोरख उपनिषद बारे रचना का ना है गोरख उपनिषद तो ये जी रचना है यदी जी दस बहुत सारे सानू जे लिखारी आ जोड़े साडे आलोचक ने उन्होंने साहित इतिहासकार ने उन्होंने पाई आ मोहन सिंह दवाना जी होर ने उजागर सिंह सहगल होर ने सारिया ने इस जीत सिंह सीतल होर ने इस समय के उत्ते इस उत्ते गलबात की है जोड़ा तो सिलेबस के पीस लाया गया है जोड़ा सिलेबस के भाग लाया गया ये भाषा विभाग पंजाब का जोड़ा पंजाबी साहित का इतिहास आदेशों लिया गया है गोरख उपनिषद हूँ जोड़ा गोरख उपनिषद आ ये तीन चार चीज़ों वाल इशारा करता है पहली गल उपनिषद उपनिषद आ जोड़े ये भारतीय दार्शनिक परंपरा के वेदा तो बाद की गल इस करके इन्हों वेदांत भी कहते हैं ये बुनियादी तौर पर अध्यात्मक विषया के उत्ते ऋषियों की जग्यासुआ की चेलिया की उन्होंने गुरुआ की आपसी गलबात आ जिदे आत्मा परमात्मा सृष्टि की सिरजना जीवन मार्ग बारे विचार वटांदरा करते हैं तो उपनिषदों की धारा तो बहुत पुरानी हैगी है लगभग 2000 साल पुरानी 2500 साल पुरानी पर जोड़ा गोरख उपनिषद जदों असी मूहरे शब्द गोरख ला दें तो उतों ये लगता है कि यह गोरखनाथ का लिखिया ज गोरखनाथ का रचिया हो सकता है लिखारी किसी होर ने लिखा हो जड़े दे मूल भाव ने वो गोरखनाथ दे हुण गोरखनाथ किस परंपरा का बंदा है तो गोरखनाथ नाथ परंपरा का बंदा है तो नाथ परंपरा किस गल नाल जुड़ती हैगी है नाथ परंपरा जी वो सिद्धा नाल जुड़ती है तो सिद्ध परंपरा जी वो बोध परंपरा नाल जुड़ती है तो एक पासे तो जिहड़ा ये गोरख उपनिषद इहदियां जिहड़ा पिछोकड़ आ इस परंपरा का पिछोकड़ आ वो बौध कथावां वल जांदा बौध दर्शन वल जांदा दूसरे पासे जिहड़ा योगी आ योगी जदों असीं कहिंदे आ तां योगी आ जिहड़ा वो पतंजलि योग नाल जुड़दा वैसे ये जिहड़ियां दोवें धारावां ने ये वेदांतक नहीं आ पर जिहड़ा ये गोरख उपनिषद आ ये वेदांतक आ जदों असीं गल करदे आ योग दी ते जदों असीं बुद्ध मत की गल करदे आ ते दोनों ही एक तरह दियां गैर वेदांतक धारा ने पर जदों असीं उपनिषद की गल करदे आ तां उपनिषद आ जिहड़ी वो वेदांत दा वेदांतक धारा हैगी आ जिहड़ी वेदांतक धारा है इस नूं जदों असीं पढ़दे आ ते इहदे विच की आख्या गया की लिखिया गया जिहड़ी छोटा पीस तुहाडे सिलेबस दे विच लग्गिया होया उहदे विच कि जिहड़ियां साडियां पुराणियां धारनावां ने उहनां नूं कुछ नवीं व्याख्या भी दित्ती गई एक साडी धारणा हैगी है कि एक ब्रह्मचारी हैगा आश्रम जां ब्रह्मचारी साडा समां जीवन दा मनुखी जीवन दा एक जिहड़ा हैगा ग्रस्त जीवन दा समां हैगा एक जिहड़ा जीवन हैगा उह वानप्रस्थ हैगा ते एक सन्यासी हैगा इन्हां ने कहा कि ब्रह्मचारी का भाव तो ब्रह्मचारिया का पालन करना हैगा पर जिहड़ा ग्रस्त आ ये असल दे विच इहदा अर्थ हैगा कि उदों तुसीं जिंदगी है जिहड़ी शांति नाल जीनी है ते जिहड़ा वानप्रस्थ आ इहदा अर्थ हैगा तुसीं उदों अध्यात्मक होना है तो जिहड़ा सन्यासी का अर्थ आ उहदा अर्थ हैगा कि तुसीं उदों त्याग देना है ये दुनिया नूं त्याग देना दुनिया तो भाव कि दुनियावी वस्तां दे प्रति मोह छड्ड देना उहनां नूं त्याग देना अगली जिहड़ी गल हैगी कि इहदे विच जिहड़ियां योग दीयां क्रियावां ने उह चाहे खेचरी आ चाहे दूसरियां क्रियावां जिवें उह योगी करदे आ कि अपनी जिहड़े तालुए दे नाल जबान उल्टा के ला लैंदे आ ते साह चढ़ाउंदे आ उहनां नूं नवें अर्थ दित्ते आ कि इहदा अर्थ तां असल दे विच व्यक्ति ने अपने आप नूं जिहड़ियां इहनां चीज़ां तों मुक्त करके जुड़ना किदे नाल आ फिर ये संसार किवें पैदा होया ये प्रश्न का उत्तर गोरख उपनिषद अपने ढंग नाल दिंदा है कि पहला शून्य सी पहला अनहोंद सी वो पहला निराकार सी तां उहदे विच्चों सकारता आई
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਗੁਣਤਾ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਂਦਸ਼ੀਲਤਾ ਆਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਦੂਕੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੂਕੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਾ ਪਦਤੀਨਾਮਾ। ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਦਤੀਨਾਮਾ ਹੈ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਾ ਪਦਤੀਨਾਮਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਖ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੋਰਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਨੇ ਖੁਦ ਨਾ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਾ ਪਦਤੀਨਾਮਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਾ ਪਦਤੀਨਾਮਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਰਚਨਾ, ਪਦਤੀਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਗ, ਰੀਤ, ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਅਤੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਨਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਸੰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰਵਰਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਦਾ ਅਸਰ ਆ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਸਾਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਫਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ, ਨਫਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਫਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ। ਨਫਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀ ਕੇਵਲ ਕਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸੈਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਾ ਪਾਤੀਨਾਮਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਸਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਮਹਾਤਮ। ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਮਹਾਤਮ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਖਰੜਾ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਏ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐੱਮ ਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਏ ਸੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਮਹਾਤਮ ਦੇ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਤਮ ਹੈਗਾ, ਮਹਾਤਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਲ, ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਤਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਭ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ 11ਵੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਸੁਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਚਾਨਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰ ਪੱਖ ਦਾ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਨਣੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਨੇਰ ਦੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਦਰਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਥਾ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਦਮ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਆ। ਪਦਮ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਤਾ ਸੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ, ਦਾਨਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੁਰਾਂ ਨੇ,
तो उन्होंने जब उन्होंने इंद्रपुरी के कढ़ दिता तो उन्होंने फिर विष्णु को जाके गहार लाई तो विष्णु ने आके दंता मारना शुरू करता। जो दंता मारते तो मारते मारते थक गए, जो मारते मारते थक गए तो गुफा च पै गए, गुफा च सौ गए विष्णु महाराज। तो विष्णु महाराज के नींद जड़ा मुरु नाँ का दैंत सी वह मारन आ गया, पर जड़े विष्णु की नींद विच्चों पैदा हुई एक शक्ति आ जड़ी एकादशी जड़ी एक औरत रूप सी कन्या रूप सी उन्हें जड़ा पुरु आदे युद्ध करके उल्टा उन्होंने मारता। इस गल तो कहते कि विष्णु बहुत खुश होए तो उन्होंने विष्णु ने कहा कि भाई एकादशी तू की मंगदी है। तो एकादशी ने कहा कि मेरा भाई तुसी ना करो, मेरे नाँ के उत्ते मेरी तिथ के उत्ते मेरे दिन के उत्ते जोड़े लोग मेरी उपासना करना उन्होंने कुछ प्राप्त हो तो प्राप्त होक्ति प्राप्त हो उन्होंने कहा कि वर दिता गया। कहा जाता है कि एकादशी का यह महात्म है कि जोड़ा बंदा एकादशी का वर्त रखता है जकादशी जड़ा उस दिन वो क्रियाकर्म करता जोड़े दसे जाते हैं तो उन्होंने ये फल प्राप्त होंगे कि वह मुक्त हो जाता। एक गल तर्क के आधार पर विज्ञानक आधार पर नहीं सिद्ध की जा सकती, इहदा तां भाव सिर्फ यह है कि पद्म पुराण विच जिहड़ी कथा दर्ज हैगी आ उसे नूं ही दुबारा बयान किया गया। निजी तौर पर मैनू इस तरह के फल दे विच यकीन नहीं है, पर साडा इह विरसा है, ये लोक धारा दे विच लोक साडे साहित दे विच भी ते साडियां प्राणा दे विच भी इस किस्म दियां कथावां मिलदियां, लोग इन्हां ते विश्वास करदे आ। असीं तां इहदा सिर्फ अध्ययन करना है। किस वजों अध्ययन करना? असीं इसका अध्ययन करना है वार्तक रचना वजों। तो जदों असीं इहदी रचना नूं वेखदे आं तां इहदे विच कृष्ण दा ते युधिष्ठिर दा संवाद, इहदे विच ब्रह्मा ते नारद दा संवाद, इहदे विच जिहड़ी एकादशी दी कथा कही गई है। साडी दिलचस्पी इहो जिहियां कथावां दे विच उहनां दा मिथ विज्ञानक अध्ययन करन च, उहनां दी भाषा दा अध्ययन करन च, उहनां दी शैली दा अध्ययन करन दे विच आ। इस पक्ष तों तिन्ने रचनावां गोरख उपनिषद भी, फरीद जी का पत्तीनामा भी ते एकादशी महात्म भी बड़ियां महत्वपूर्ण ने। ये सानू उन्हां परंपरावां बारे भी दसदियां कि कहड़ियां परंपरावां चों आईयां, कोई बौद्ध परंपरा चों आई, कोई योगी परंपरा चों आई, कोई सामी परंपरा चों आई ते कोई प्राण परंपरा चों जां वैदिक परंपरा चों आई। तो उन्हां दा जिहड़ा उस समय दे लोकां दा सोचण ढंग सी, उन्हां दी जिहड़ी विश्वास प्रबंध सी, जिहड़ी उन्हां दी विचारधारा सी, इन्हां लिखतां दे राहीं असीं उह वी जाण सकदे हां। उस समय भाषा किहो जी सी असीं भाषा नूं भी जाण सकते हैं, भाषा नूं भी समझ सकते हैं, तो भाषा दे राहीं उस समय की जिहड़ी वार्तक शैली हैगी आ उहनूं भी असीं जाण सकते हैं। इस पक्ष तों इह जिहड़ियां तिन्ने रचनावां ने इह पूर्व मध्यकाल जां पूर्व नानक काल दियां अत्यंत महत्वपूर्ण रचनावां ने। मैं विद्यार्थियों नूं आखदा कि इन्हां तिन्नां रचनावां नूं पढ़ो। तो जिहड़ी सब तो महत्वपूर्ण गल आ कि इहदे नाल तुसीं प्राणी भाषा नूं पढ़ना सीखोगे, प्राणी जिहड़ी भाषा उहनूं जानना सीखोगे। एक गल मैं होर तुहाडे नाल इहदे विच सांझी करनी चाहुंदा है कि इह पुस्तक इस ढंग नाल डिजाइन कीती हुई है, पुस्तक इस ढंग नाल लिखी हुई है कि इस पुस्तक दे जे तुसीं भूमिका पढ़ोगे तां तुहानूं ये सारे जिहड़ी साडी वार्तक हैगी आ उहदा इतिहास पता लगेगा। जे तुसीं इहदे पिछे दित्ती हुई अंतका दे विच औखे शब्दां दे उत्थे तुहानूं अर्थ मिल जाणगे। मान लो नफ्स दा की अर्थ आ, मान लो गृहस्थ दा की अर्थ आ, उत्थे तुहानूं अर्थ मिल जाणगे, वो अर्थ पढ़ो। ते आखिर दे विच ये रचना लई कित्थों गई है, ये रचना का मूल की है, तो ये रचना का सार तत् की है वह भी दिता गया। अपने आप दे विच जे तुसीं इस पुस्तक नूं खुद ध्यान नाल पढ़ो तो लगभग तुहानूं सारियां जिहड़ियां तुहाडे अकादमिक प्रश्न ने उहनां दे उत्तर मिल जाणगे। फिर भी जे तुहाडे कुछ प्रश्न होण तुसीं ओह मैनूं व्हाट्सएप दे उत्ते भी पुछ सकते हैं, वो तुसी इस वीडियो दे थले कमेंट करके भी पुछ सकते हैं, तो वो तुसी टेलीफोन ते भी पुछ सकते हैं। तुहाडा सदा स्वागत।
एक बार फिर मैं तुहानू कहना कि इन्हां रचनावां नू खुद पढ़ो, जिहड़े अर्थां दा पता नहीं लगता वो इस पुस्तक दे विच पिछे दित्ती हुई अंतका तो देखो, तो इस पुस्तक का पूरे का पूरा जिहड़ा प्रसंग जानण दे लई पहला भूमिका पढ़ो, तो पुस्तक दे विच जिहड़े लेख दर्ज ने जिहड़ियां ये रचनावां दर्ज ने उन्हां नू पढ़न तो बाद उस दी पिछे दित्ती सार ते जिहड़ा उहदा संखेप तत्सार दित्ता है वह भी जरूर पढ़ो, तो इस नाल तुसीं जिहड़ी साडी पूर्व मध्यकाल की वार्तक रचना उस नू चंगी तरह समझ सकोगे। शुक्रिया, धन्यवाद।